हबीबपुर थाना क्षेत्र के हबीबपुर चौक पर सुबह पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कई ट्रैक्टर चालक एवं कई गाड़ियों को जब्त किया गया है। पुलिस की कार्रवाई को देख एक ट्रैक्टर चालक भागने के दौरान हबीबपुर चौक स्थित डॉक्टर मकसूद के क्लिनिक में गाड़ी घुसा दिया, जबकि क्लिनिक खुला हुआ था, कंपाउंडर और एक बच्चा बैठा हुआ था। थोड़ा और रफ्तार में गाड़ी अगर होती तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। डॉक्टर मकसूद के भाई ने बताया कि सुबह 6:30 बजे माइनिंग के अधिकारी छापेमारी कर रहे थे। यह देखकर ड्राइवर अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को भगाने के दौरान यह घटना हुई है। इस घटना में काउंटर की कुर्सी एवं मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि बगल में बच्चों का एक स्कूल किड्स केयर है। आज रविवार का दिन है, स्कूल बंद है, रोज काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ रहती थी। अगर स्कूल खुला होता तो ऊपर वाला ना करे, एक बड़ी दुर्घटना होने की आशंका थी। भागलपुर से विद्या सागर की रिपोर्ट। घटना यह हुआ कि सुबह 6:30 बजे क्लिनिक खुला था, 7 बजे माइनिंग वाले आए थे, एसपी साहब को पकड़ा पकड़ी कर रहे थे गाड़ी को भागने में, जान बचाने के लिए क्लिनिक में गाड़ी घुसा दिया। क्लिनिक शुरू हुआ, कंपाउंडर था, एक हमारा बच्चा था, दोनों की जान बची। मोटरसाइकिल तो भाग हो गया, मोटरसाइकिल किसी और का यहाँ पर लगाया हुआ। अच्छा, क्लिनिक डॉक्टर मकसूद अहमद का, हमारे बड़े भाई हैं, वो प्रोफेसर हैं मुजफ्फरपुर में। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।